नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। रामपुर के हजरतपुर गांव की पीड़ित लड़की शरणदीप कौर ने वीडियो बनाकर सार्वजनिक वायरल किया है। एसपी रामपुर से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। वीडियो में पीड़ित लड़की ने कहा कि 4 साल पहले जमीनी विवाद में उसके चचेरे भाई और चाचा ने उसकी बहन और फूफा की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें हत्या आरोपी जेल में है, उन्हें सजा होने वाली है, इसलिए मेरे पापा को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। घर पर पुलिस ने ताला तोड़कर वहां पर चेकिंग की है और पुलिस घर में घुस आई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद लड़की ने गुहार लगाई है। महाराजगंज की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस की टीम ने 3 नेपाली लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में बंधक बनाकर डांस कराने वाले 2 संचालकों को गिरफ्तार कर लड़कियों को छुड़ाया है। एसपी ने इस घटना का खुलासा किया है। इन लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए ऑर्केस्ट्रा संचालकों ने नेपाल से बुलाया और बंधक बनाकर उनसे डांस भी कराया और पैसे भी नहीं दिए। मैनपुरी के गाँव नगला जुगला में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा वहां पर सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और सरकार की जो सेवा है वो भी उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। गांव में सैनिटाइजेशन एक हद तक कराया जाता है, वो भी प्रधान के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नहीं। कई लोग अब तक पॉजिटिव मिल चुके हैं, ना तो टेस्टिंग हो रही है और ना ही वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर लगातार आंकड़े चौंका रहे हैं। कानपुर महानगर अंतर्गत आने वाले उजरिया गांव की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में जो तालाब नुमा बड़ा गड्ढा दिख रहा है, वो कभी कुछ समय तक उपजाऊ खेत हुआ करता था, जिसमें फसलें लहराया करती थी, लेकिन मिट्टी खनन माफियों ने सारे नियम कायदे कानून ताक पर रखते हुए अपने मुनाफे के लिए इस 5 बीघा के खेत को तालाब बना डाला। पीड़ित किसानों ने जब खनन माफियों के करतूतों से अर्जी आकर थाना पुलिस से शिकायत की, तो बिधुन पुलिस ने पीड़ित किसानों को ही सलाखों के पीछे पहुंचा देने की धमकी तक दे डाली। अमरोहा नगर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज अमरोहा के एसडीएम विवेक यादव, शहर कोतवाल आरपी शर्मा और सीओ अमरोहा ने संयुक्त रूप से लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। एसडीएम ने बताया कि लॉकडाउन का अनुपालन कराना हमारा कर्तव्य है और जिसके तहत हमने आज ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। पीलीभीत पहुंचे एक दिवसीय दौरे पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बाढ़ क्षेत्र के गांव नगरिया कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने बाढ़ बचाव को लेकर बाढ़ को रोकने के लिए नदी पर कार्य किया जा रहा था, जिसका निरीक्षण किया। मंत्री को कुछ खामियां मिलने पर मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मंत्री ने कहा कि लगातार बाढ़ से बचाव को लेकर सरकार तेजी से काम कर रही है, जिससे कोई जन हानि या किसी तरह का नुकसान ना हो सके। बलरामपुर श्रावस्ती मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप बोलेरो वाहन से बाइक सवार को रौंद दिया। 26 वर्षीय बाइक सवार विनय कुमार दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ में बैठे 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना 108 एम्बुलेंस की मदद से भेजा गया। सपा जिला महासचिव समेत 100 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज हुई है। अरवल थाने में तैनात दारोगा रामलला सोनकर ने दर्ज कराई एफआईआर। सपा नेता ने कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई थी। सपा महासचिव वीरे यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ अपने पुत्र का जन्मदिन मनाया था। बिना मास्क लगाए लोगों की इकट्ठा होने की जानकारी मिली थी। अरवल थाना क्षेत्र के बरगदपुरवा गांव में आवास पर ये पूरा कार्यक्रम हुआ था, जिसका वीडियो भी खुद फेसबुक पर डाला गया था। दारोगा ने एफआईआर में लिखवाया और वीरे आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं मानता कानून नियम और शर्तों को, जिसके बावजूद लगातार इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। भारी बारिश के बीच पिनेविया पुल पर बारात से लौट रहे घर वापस कार ड्राइवर ने नियंत्रित होकर ठोकर मार दी। हादसे में दुल्हन समेत 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को स्थानीय प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी पुलिस को मुखबिर सूचना पर हैरिसगंज आउटर पर चोर की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 2 साथी चोरों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा। दरअसल अभियुक्त रायबरेली और प्रयागराज के हैं, जो कि ट्रेन में यात्री बंद कर सफर करते हैं और रात के समय ये लोग यात्रियों का मोबाइल लैपटॉप और महिलाओं के जेवर चुरा लेते हैं, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। इनके पास से 2 लैपटॉप 20 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मथुरा में निजी हेलीकॉप्टर की यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 72 पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। नारनौल से चलकर अलीगढ़ जाते समय इंजन में हुई खराबी के कारण पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कराई। मथुरा के थाना नोहझील इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 72 पर पायलट जगत के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं निजी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। पायनियर कंपनी के 2 सीटर हेलीकॉप्टर सकुशल लैंडिंग होने के बाद पायलट और स्थानीय पुलिस ने राहत की सांस ली है और हेलीकॉप्टर को देखने के लिए
गाँव वासियों की भीड़ जमा हो गई। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।